नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 26/11 के हमले के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो 26/11 का मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम है कहावर हुसैन राणा, तो इसके ऊपर यूएस कोर्ट में क्या चल रहा था, केस चल रहा था। तो फाइनली यूएस कोर्ट ने सोचा कि बहुत खर्चा हो रहा है, काफी दिनों से लंबे समय से घसीट रहे हैं, सो घसीट रहे, एक काम करते हैं कि सुअर को हैंड ओवर कर देते हैं, किसको, इंडिया को। अब इंडिया देख ले क्या करना है इसके साथ में, इसको जिंदा रखना है या फांसी पे चढ़ाना है, दैट इज इंडिया का लुकआउट है अभी। अब ये भाई साहब ये वही वाले हैं जन्नत स्कीम वाले हैं जो बोलते हैं ना कि आप मासूमों को मारोगे तो आप जन्नत में जाओगे। पता नहीं जन्नत के चक्कर में ये 72 हूरों के चक्कर में अपनी हूर पता नहीं किसके लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए ये बहुत एक दुखद घटना जो घटी थी 26/11 की 2008 में, मतलब वो ऐसी घटना थी ना जिससे पूरा देश रोया। तो अब समय आ गया है कि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब 2008 में जब ये मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसमें लगभग 174 लोग मारे गए थे। आप जानते हो कि गवर्नमेंट डेटा हमेशा कमी दिखाया जाता है, जिसमें से हमारे 20 बोलते हैं ना सिक्योरिटी के फोर्सेस में इनकी मृत्यु हुई थी, उसमें से 26 फॉरेन नेशनल थे, उसमें कुछ अमेरिका के भी लोग थे, 5 से 6 लोग अमेरिका के भी थे, और कम से कम लगभग 300 लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। इसके अंदर बूढ़े बच्चे किसी को नहीं छोड़ा गया था। कुछ लोगों को भेज दिया गया था कि भैया तुमको जन्नत चाहिए तो जाओ मारो मासूमों को। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो मरे थे उसमें से हमारे बात करें तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस के जो चीफ थे हेमंत करकरे की मृत्यु हुई थी, मेजर संदीप का और मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कामटे और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, इस सबकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 10 लोग आए थे उसमें से 9 लोगों को क्या कर दिया गया था, हमारी बोलते हैं ना एनएसजी ने मार करके गिरा दिया था, और एक को जिंदा पकड़ लिया था, ये अजमल कसाब को। इस पे भी बहुत केस चला था कि भैया 2000 बोलते हैं ना 12 में इसको बोलते हैं ना क्या किया गया, फांसी दी गई, तो बोला गया इतने दिन क्यों बैठा के रखा गया था, उसके पे डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई साहब इसको बोलते हैं ना ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जो मेन मुखिया जुखिया है वो कौन है, तो इनसे मिलिए। जब इसको कभी मैं देखता हूं ना तो मेरे दिल में ना इसके लिए खास अलग प्रकार का बोलते हैं ना गाली निकलती है, क्या बोल सकते। अब ये जो हाफिज मोहम्मद सईद है इसने एक आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, लश्कर तैयबा। अब ये यही मेन बोलते हैं ना जन्नत भेजने वाला जो बोलते हैं ना मेन मुखिया यही है, यही सबको जन्नत भेजता है। अब यहां पे देखिए कि पाकिस्तान इसकी सेफ्टी को लेकर के बहुत कंसर्न रहता है, बहुत भैया नहीं बहुत बढ़िया आदमी है इसको मत कुछ करिए। यार मैं तो कभी इंतजार करता हूँ यार किसी दिन सवेरा हो और न्यूज देखो मोबाइल देखो तो उसमें पता चले कि रॉ ने क्या कर दिया, इनको निपटा दिया है। इंतजार है, रॉ बोलते हैं ना जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से रॉ का हमेशा नाम होते जा रहा है, उधर बोलते हैं ना मोसाद है जैसे केजीबी एकदम नंबर वन लिस्ट पे चल रहे हैं, तो वैसे मैं चाहता हूँ यार रॉ का भी कुछ अच्छा नाम हो जाए। रॉ वाले यार आप लोग सुनो यार, इसको भी बोलते हैं ना थोड़ा भेज दो उसको 72 हूरों के पास में। अब यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, अब बाइडेन जो बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने बोला यार हमने इसका तो बहुत बैंड बाजा बजा दिया है, हमने बजा लिया है बहुत अच्छा खासा बाजा, तो बोला कि चलिए भाई साहब इंडिया वाले मोदी जी आप लोग भी बजा लें। तो मोदी जी ने बोला चले ठीक है भेज दीजिए, हम देखते हैं जो बचा रहेगा बजा जाके खाली कर देंगे इनको। अब इसका एज क्या है, 61 ईयर्स की इसकी एज है। अब अगर भाई साहब ये आएगा इंडिया के अंदर तो कम से कम जानते ही हो 10 साल तक तो केस चलेगा और उसके बाद 30-40 साल की सजा मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये आएंगे तो लेकिन वापस से जाएंगे नहीं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जानते ही हो अजमल कसाब का केस ही ले लो, 2008 में इनको पकड़ा गया, इनको फांसी कब दी गई 2012 में। अब इनको बोला गया कि 72 हूरों के पास में जाना है अपनी छोड़ के चले जाओ। अब ये बोला गया कि भैया मतलब मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूँ कि इनको एक चीज बोला जाता है कि अगर आप मासूमों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, अल्लाह खुश होगा, ये पता नहीं समझ में आ रहा है इनका लगता है अल्लाह दूसरा टाइप का है कोई, क्या इनका अल्लाह दूसरा टाइप का है, अगर किसी को मारने से अल्लाह कैसे खुश हो सकता है भाई। अगर किसी किताब में लिखा है कि यार बोलते हैं ना आप मासूमों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी तो वो जो भी किताब है किताब को जला डालो भाई। अभी यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता इन लोग को पता नहीं कौन सा बोलते हैं ना बुक और कौन सा अल्लाह इनको मिल गया है अलग ही टाइप का। अब क्या हुआ कि इन कसाब को भी बोलते हैं ना यहाँ पे बरी कर दिया गया, बरी कर दिया गया मतलब दफना दिया गया सेंट्रल जेल में पुणे में, और बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन था उनको फांसी उसी मिल गई। चलिए ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में टच में थी, अब वाशिंगटन डीसी ने बोला भैया आप इसको क्या कर देते हैं, इसका एक्सट्रेडिशन कर देते हैं, इसको भेज देते हैं, इसको सौंप देते हैं, किसको, भारत को। अब यहाँ से ये यूएस से आने वाले हैं कहाँ पे, ये भारत में। अब ये एक्चुअल में था क्या, ये एक पाकिस्तानी बोलते हैं ना कैनेडियन बिजनेसमैन था, मतलब कनाडा में बैठ करके बिजनेस करता था और रहता था यूएस में। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं ना ट्रायल के लिए भेजना जाने वाला है कहाँ पे, इंडिया के अंदर। अब इसने बोलते हैं ना क्या करामात की थी, ये खुद आकर के इंडिया में सब कांड नहीं किया था, इसने प्लॉट किया था डेविड हेडली को, ये भी पाकिस्तानी था।
अब इसका नाम देख करके बोलोगे ये तो सर ये तो लग रहा है यार ये तो अमेरिकन अमेरिकन है। इसके जो पप्पा थे वो क्या थे, वो पाकिस्तानी थे और उन्होंने क्या किया था, एक अमेरिकन से शादी किया था, तो इसकी माँ अमेरिकन थी लेकिन इसका जो बोलते हैं ना बाप जो था वो पाकिस्तानी था। अब इसने इसको क्या काम दिया गया, इसको ये काम दिया गया भैया, अब ये पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये डेविड हेडली है कौन। तो डेविड कोलमैन हेडली क्या, एक अमेरिकन टेररिस्ट है, अमेरिका ने इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अब इसने ये जो राणा है इसने क्या बोला, भैया तुम इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए बोलते हैं एक ऑफिस खोलो, जाओ मुंबई के अंदर, 2006 में इसने बोलते हैं ना ऑफिस खोला था कहाँ पे, मुंबई के अंदर। अब वहीं से 2006 से जब इसने बोलते हैं ना मुंबई के अंदर ऑफिस खोला इसने, ये डेविड हेडली ने, जब इसने बोलते हैं ना ऑफिस खोला मुंबई के अंदर, तो इसको काम ये दिया गया कि जैसे आप तुमने तो बोलते हैं ना माइग्रेशन के लिए मुंबई में ऑफिस तो खोल ही लिया है, तो आप पता करो कि मुंबई में बोलते हैं ना कौन से ऐसे ऐसे प्लेसेस है जहां पे ज्यादा जनसंख्या रहती, कहने का मतलब जहां पे ज्यादा क्राउड होता है, ज्यादा लोग आकर के बोलते हैं ना इकट्ठा रहते हैं, कि जहां पे हम अगर हम ब्लास्ट करें कुछ भी अगर बोलते हैं ना टेररिस्ट एक्टिविटी करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। तो ये 4 से 5 बार बोलते हैं इंडिया विजिट किया, हर जगह घूम घूम करके देखा कि कौन कहाँ रहता है, ज्यादा क्राउड कहाँ होता है, तो उसके हिसाब से ये सब प्लानिंग कहाँ पे भेज रहा था, सीधा बोलते हैं ना ये चच्चा के पास में भेज रहा था। अब ये चच्चा बोलते हैं ना राणा चच्चा, ये बड़े खुश हुए थे कि भाई बोलते हैं ना इंडिया से बोलते हैं रिवेज सामने तो ले नहीं सकते थे, तो ये आतंकवादी, अभी तो पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता, तो सिर्फ आतंकवादी तरीके से ही बोलते हैं ना, बोलते हैं खाली आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है, युद्ध नहीं कर सकता भारत से। तो इन्होंने कुछ जगहों के नाम बताए, जैसे आपने मैंने देखा होगा कि ताज होटल का नाम आपने बार बार सुना होगा, उस ताज होटल पे जब ये बोलते हैं ना 26/11 का जो हमला हुआ था ना, तो उस समय गौतम अदानी भी ताजमहल होटल में ही थे, लेकिन उन्होंने बोलते हैं ना वो बच गए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनको बोलते हैं ना 2006 में बोला गया भैया जाओ ऑफिस ऑफिस खोल लो वहां पे, और पूरा बोलते हैं ना सारी इंफॉर्मेशन हमको वहां पे प्रोवाइड करते जाओ। अब ये दोनों तो बोलते हैं ना जेल में ही है, लॉस एंजलिस में, ये भी जेल में है ये भी जेल में है। अब ये लोग बोलते हैं ना अलग ही अपना कहानी रच रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हम प्ली डालेंगे, ये करेंगे, याचिका डालेंगे, हमको भारत मत भेजो, अगर हमको भारत भेज दिए तो हमको छोड़ेंगे नहीं वो लोग। सही बात है, भारत आ गए तो इनको तो छोड़ने वाले नहीं है, और जस्टिस डिलीवर्ड भी होना चाहिए, जिन लोगों की जान गई है इसमें ना उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये भारत के लिए ना एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जीत है कि भारत के खिलाफ बोलते हैं ना कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा बोलते हैं ना आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, अगर आर्टिकल समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।